सर्दियों के मौसम में बहुत जल्दी नजला, जुकाम और खांसी का शिकार हो जाना, जिस्म का ठिठरना, सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी का महसूस होना, किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन का बहुत जल्द शिकार बन जाना, ये सब निशानियां हैं हमारी कमजोर इम्यूनिटी की। सर्दियां आते ही लोग बीमार पड़ जाते हैं और दवाइयां इस्तेमाल करते रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां इस्तेमाल करने से बेहतर है आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें। आज मैं आपको जो रेमेडी बनाना सिखाने जा रहा हूँ वो आपके तमाम सर्दियों के मसाइल का हल है। आज मैं आपको असली यखनी कैसे तैयार करते हैं वो लाइव बनाकर दिखाऊंगा। जो यखनी की रेसिपी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ओरिजिनल यखनी की रेसिपी है, यानी इस यखनी की रेसिपी में ना तो किसी मसाले को ज्यादा और ना ही किसी मसाले को कम किया गया है। तमाम मसाला जात और जितनी भी चीजें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तमाम की तमाम परफेक्ट मिकदार में डाली गई है। यखनी को तैयार करने के लिए हमें जितनी भी चीजों की जरूरत है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक एक करके मैं हर चीज के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस यखनी की रेसिपी में आपने उसी हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करना है और उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करना है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चीजों को आगे पीछे करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने मसाला जात की तरफ चलते हैं। एक प्लेट में मैंने तमाम जितने भी इस यखनी में मसाला जात इस्तेमाल किए जाने हैं वो रखे हुए हैं। सबसे ऊपर आपको जो सफेद कलर का नजर आ रहा है नमक है। नमक कोशिश करना है कि आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। मैं इस यखनी में आधा चम्मच नमक इस्तेमाल करने जा रहा हूं। उसके बाद आपके पास जीरा है, जीरा एक चाय की चम्मच इस्तेमाल किया है। काली मिर्चें हैं, काली मिर्चें तकरीबन 10 से 12 दाने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है सौंफ, सौंफ भी एक चाय की चम्मच इस्तेमाल की है। उसके बाद छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 8 अदद और जो सेंटर में है वो दार चीनी के कुछ डंडियां पड़ी हैं। ये मसाला जात है, इनको आप नोट कर लीजिए और इसी क्वांटिटी में आपने मसाला जात इस्तेमाल करने हैं। और नमक मैं फिर कहूंगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, अदरवाइज भी कम से कम नमक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये मसाला जात हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी चीजों की तरफ। ये आपके सामने ये एक छन्नी में सूखा धनिया है, ये अदरक है, तकरीबन मैंने एक मीडियम साइज का हाफ अदरक लिया है। इसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज है और पूरा एक लहसुन का जो होता है वो लिया है। इसके अलावा ये गोश्त है, गोश्त तकरीबन मैं ये छोटा गोश्त है यानी बकरे का गोश्त है और तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये गोश्त है। इसमें हड्डियां भी शामिल हैं और गोश्त भी शामिल है, ये आप देख सकते हैं। 4 अदद इसमें बोटियां हैं और ये जो पानी है मैंने तकरीबन 10 गिलास पानी लिया है और तमाम चीजें 10 गिलास पानी में मैं शामिल कर रहा हूं। 10 गिलास पानी का मतलब है कि 2.5 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है। इसके नीचे इस वक्त आग जली हुई है हल्की सी, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप पानी उबलते हुए पानी में ही सब चीजें डालेंगे, आप ठंडे पानी में सब चीजें ऐड कर दीजिए जितनी भी चीजें हैं, और उसके बाद भी आप आग जला सकते हैं। आग इस वक्त जल रही है और ये मैंने ढांप दिया, बिल्कुल मीडियम आपने आग रखनी है और तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो है मैंने 1.5 घंटे से भी ज्यादा इसको मीडियम आंच पर रख छोड़ा है। और 1.5 घंटे बाद जब ढक्कन उठाया तो हमारी यखनी मुकम्मल तौर पर रेडी है। ये यखनी मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस्तेमाल के काबिल है। इस्तेमाल का तरीका भी नोट कर लें कि आपने जो है इसको पहले छान लेना है, ठीक है, और बोटियां अलहदा कर लेनी है। यखनी को आप वैसे भी पी सकते हैं बोटियों को बगैर, और अगर आप चाहते हैं तो साथ में बोटियां भी खा सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल तरीका है जो मैं प्रीफर करता हूं कि आप एक कोला लें, उसमें एक बोटी डाल लें, यखनी डाल लें और चम्मच की मदद से इस्तेमाल करें, साथ साथ बोटी खाएं और साथ साथ यखनी को पिएं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो आप ये भी कर सकते हैं कि खाली जो यखनी है उसको पिया जाए और जो बोटियाँ हैं वो अलहदा कर दी जाएँ, और वो बोटियां आप दोबारा किसी हांडी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन बोटियों की दोबारा यखनी तैयार नहीं की जा सकती क्योंकि बोटियों में जितनी भी गजाइयत थी वो इस यखनी में शामिल हो चुकी है। अब बोटी हांडी पकाने के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन उनको दोबारा यखनी बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये यखनी इस्तेमाल करने से पहले आपने थोड़ी सी काली मिर्चें का जो पाउडर होता है, पिसी भी काली मिर्चें, वो थोड़ा सा छिड़क लेनी है और उसके बाद इस यखनी को इस्तेमाल करना है तो ज्यादा बेहतर रहती है।
हमारी हिकमत में कहा जाता है या तो आप सर्दियां शुरू होते ही यखनी का इस्तेमाल शुरू कर दें और बीमार ना पड़ें, या फिर आप यखनी का इस्तेमाल ना करें और बीमार पड़कर दवाइयों का इस्तेमाल करें। यखनी में वो तमाम गजाई अज्जा भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं जिसकी आपके जिस्म को जरूरत होती है, खासकर सर्दियों के मौसम में। यखनी में हमने गोश्त का इस्तेमाल किया है और गोश्त भी वो जो हड्डी के साथ हो। हड्डी में बहुत ज्यादा गजाई अज्जा होते हैं, हड्डी में ऐसे जूसेस होते हैं जो आपके जिस्म को रिपेयर करते हैं और फौरी तौर पर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम यखनी को मीडियम आंच पर पकाते हैं तो गोश्त में मौजूद और हड्डियों में मौजूद जितने भी न्यूट्रिशन होती है वो यखनी में शामिल होती रहती है। यखनी में विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, आयरन, प्लांट कंपाउंड, अमीनो एसिड भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा यखनी में भरपूर मिकदार में कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जिसकी आपके दिमाग को, मसल्स को और आपके जिगर को जरूरत होती है। अगर आपके जिस्म में कोलेजन की कमी हो जाए तो आपका जिस्म कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता। आपके बाल और आपकी स्किन भी कोलेजन से ही बनी होती है। अगर आप यखनी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको फ्लू, नजला जुकाम, खांसी, गले की खराश, चेस्ट इन्फेक्शन और सीने में जकड़न वगैरह का मसला नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी देने को तैयार हूँ। ये जितनी भी मैंने आपको इन्फेक्शन या मौसमी बीमारियां गिनवाई हैं, ये वैसे तो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब ये आपको हो जाती हैं तो आपका जीना दोबर हो जाता है। बेशक ये जानलेवा नहीं, लेकिन आपकी जान को अजाब में डालने के लिए ये बीमारियां, ये मामूली बीमारियां काफी हैं। यखनी के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आपका इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है। इन बीमारियों में वायरल इन्फेक्शन भी शामिल है, मौसमी बीमारियां भी शामिल हैं और आजकल तो बहुत नई नई किस्म की इन्फेक्शन भी आ रही हैं। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और मजबूत है तो आप इन तमाम किस्म की इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होती है। बेशक सर्दी का सीजन है, सर्दी तो लगेगी, लेकिन आप गौर करेंगे कुछ लोगों को बहुत कम सर्दी महसूस होगी और उसी टेम्परेचर में आप भी खड़े हैं, उतने ही कपड़े आपने भी पहने हैं, लेकिन आपको दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसी वजह से आपके जिस्म को बहुत ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है। लेकिन इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप यखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, फिर आप देखिएगा कि आपको भी उतनी ही सर्दी महसूस होगी जितनी दूसरों को हो रही है। अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है, यानी जिस्मानी कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसकी वजह है न्यूट्रिशन की कमी। आप ऐसे गजाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपका पेट तो भर देती हैं, लेकिन आपको काफी मिकदार में न्यूट्रिशन यानी विटामिन, मिनरल्स और दूसरे गजाई अज्जा नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन अगर आप अपने रेगुलर खाने के साथ यखनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन माने आपके जिस्म में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, बल्कि आपके जिस्म में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जिसकी आपके जिस्म को जरूरत है वो जरूरत से ज्यादा मौजूद रहेंगे। आपका जिस्म मजबूत होगा, आपका जिस्म कमजोरी से बचा रहेगा, आप अपने जिस्म में ताकत और तवानाई महसूस करेंगे। अक्सर लोग जो बहुत जल्द थक जाते हैं वो लोग भी यखनी से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को जिस्म में दर्दें रहती हैं। अगर दर्द आपकी हड्डियों में हो रही है तो समझें कि आपके जिस्म में मिनरल्स की कमी है और खासकर कैल्शियम की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर दर्दें आपकी मसल्स में यानी पट्ठों में हो रही हैं तो समझें कि आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी है और आप काफी मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप यखनी का इस्तेमाल कर लिया करें तो आपकी जितनी भी गजाई कमी है वो तो पूरी हो ही रही है, इसलिए ना तो आपकी हड्डियों में दर्द होगी और ना ही आपके पट्ठों में यानी मसल्स में, क्योंकि यखनी भरपूर होती है प्रोटीन से। इसके अलावा विटामिन भी और मिनरल भी भरपूर मिकदार में यखनी में मौजूद हैं। सर्दियां शुरू होते ही लोग हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं। खासकर लोगों की शिकायत होती है कि उठते बैठते वक्त उनके जोड़ों में बेहद दर्द रहता है। ये भी गजाई कमी ही की वजह से होता है। अगर वो लोग यखनी का इस्तेमाल करना अपना मामूल बना दे तो ये हकीम अली की गारंटी है कि एक महीने के अंदर अंदर उनके जोड़ों में, उनकी हड्डियों में दर्द मिट जाएगा। पंजाबी का एक मुहावरा है कि वो शख्स हड्ड पैर का बड़ा मजबूत है। इंशाल्लाह यखनी के इस्तेमाल से आप भी हड्ड पैर के मजबूत बन जाएंगे। यखनी अमीनो एसिड, कोलेजन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, इसलिए ये आपके असाब और दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। अगर आप यखनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप असाबी और दिमागी कमजोरी से बचे रहते हैं।
जो लोग थोड़ा बहुत दिमागी काम करने के बाद खचाव महसूस करते हैं उनको यखनी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जो शख्स यखनी का इस्तेमाल करता रहता है उसकी याददाश्त और आंखों के पट्टे कभी कमजोर नहीं पड़ते, इस चीज की मैं गारंटी देने को तैयार हूँ। नाकस और गैर मेरी खुराक के इस्तेमाल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला बढ़ता जा रहा है। हर दूसरी खातून हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो चुकी है। इसकी वजह है गैर मेरी खुराक का इस्तेमाल। हम जो चिकन इस्तेमाल करते हैं उन चिकन को बड़ा करने के लिए आर्टिफिशियल खुराक का इस्तेमाल किया जाता है। उस आर्टिफिशियल खुराक में स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं। इसी तरह हम जो फल और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं उन पर कीड़े मार अदवियात का स्प्रे किया जाता है, उन अदवियात में भी स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं। हम जो खुराक खाते हैं उस खुराक के जरिए स्टेरॉइड्स हमारे जिस्म में मुंतकिल होते रहते हैं और यही स्टेरॉइड्स आगे चलकर हमारे जिस्मों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनते हैं, खासकर खवातीन में। लेकिन अगर आप यखनी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो यखनी आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म करती है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा तमाम खवातीन यखनी को इस्तेमाल करना अपना मूल बना लें, खासकर सर्दियों के मौसम में। आमतौर पर यखनी के बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि यखनी के इस्तेमाल से आपका वजन बढ़ता है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है हमारा वजन तो पहले ही ज्यादा है, हम तो यखनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि तंदुरुस्ती और मोटापे में फर्क होता है। अगर आप यखनी इस्तेमाल करते हैं तो यखनी प्रोटीन से भरपूर है। इसके अलावा यखनी में हमने काली मिर्च, लौंग, अदरक, इलायची, लहसुन और सौंफ का भी इस्तेमाल किया है और ये तमाम चीजें मोटापा कम करने के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। असल में यखनी आपका मोटापा कम करती है और तंदुरुस्ती बढ़ाती है। मसल मास ज्यादा होता है लेकिन आपके जिस्म में मौजूद जो चर्बी है उसको यखनी का इस्तेमाल पगलाता है। इसलिए वो अफराद जो मोटापे का शिकार हैं वो बेफिक्र होकर मेरे कहने पर यखनी का इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह यखनी उनको तंदुरुस्त बनाएगी, उनके जिस्म में मौजूद चर्बी को पगलाने में मदद करेगी और ये मेरी गारंटी है कि यखनी के इस्तेमाल से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। यखनी के बारे में एक और गलत फहमी भी पाई जाती है कि यखनी आपके हाजमे पर भारी रहती है और कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए यखनी को हजम करना बहुत मुश्किल रहता है, जो कि सरासर गलत है। यखनी ना सिर्फ हजम करने में बहुत ज्यादा आसान रहती है बल्कि अगर आप यखनी का इस्तेमाल करते रहें तो आपका हाजमे का निजाम दुरुस्त करती है, आपके मैदे की इसलाह करती है, आपके मैदे को तंदुरुस्त बनाती है, मैदे की कमजोरी का खात्मा करती है। यखनी में हमने बहुत सारे ऐसे मसाला जात का इस्तेमाल किया है जो आपके हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर माने जाते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यखनी कैसे आपका हाजमा खराब कर सकती है या आपको हजम करने में मुश्किल हो सकती है। बल्कि जो लोग आसानी से गोश्त को हजम नहीं कर सकते उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो यखनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गोश्त और हड्डियों में मौजूद जितनी भी न्यूट्रिशन होती है वो यखनी में शामिल हो चुकी होती है और यखनी का इस्तेमाल करके आप तमाम गोश्त की न्यूट्रिशन का फायदा हासिल कर सकते हैं। यखनी के बारे में एक तीसरी गलतफहमी ये पाई जाती है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है उन लोगों को यखनी इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, यखनी के इस्तेमाल से और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा ये सोच भी गलत है। जो मैंने आज आपको यखनी तैयार करना सिखाई है, अगर यही आप यखनी उस इंसान को इस्तेमाल करवाते हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो आसानी से इस यखनी को इस्तेमाल कर सकता है। इस यखनी का इस्तेमाल हरगिज आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाता। उसकी वजह ये है कि इसमें जिस तनासुब में हमने मसाला जात इस्तेमाल किए हैं ये मसाला जात ऐसे हैं जो जिस्म में मजीद कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नहीं बढ़ने देते। अगर आप लंबे अरसे तक जवान रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि बुढ़ापे की निशानियां आप में ना जाहिर हों तो आप यखनी को अपना मामूल बना लें, फिर चाहे सर्दियां हों या गर्मियां। लेकिन खासकर सर्दियों में रिकमेंडेड है कि यखनी जरूर इस्तेमाल करें। यखनी इस्तेमाल करने से ना तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपके दांत मजबूत रहेंगे, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। जैसा कि मैंने कहा यखनी में कोलेजन होता है, इसलिए यखनी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। यखनी के इस्तेमाल से आपके बाल घने होते हैं, आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहती है, उम्र से पहले झुर्रियां नहीं पड़ती। बल्कि जो लोग यखनी को रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं उनकी तो उम्र हो जाने पर भी चेहरे पर झुर्रियां नमूदार नहीं होती। आपके जिस्म में ताकत और तवानाई रहती है, आप कमजोर और लागर नहीं पड़ते, यानी बुढ़ापे की जितनी भी निशानियां हैं वो आपसे दूर रहती हैं। इसलिए चाहते हैं कि लंबे अरसे तक जवान और तवाना रहें और जवानों का मुकाबला करें तो यखनी को पीना इस्तेमाल करना मामूल बना लें।
आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यखनी आपको बीमारियों से रिकवर होने में बहुत ज्यादा मदद करती है। इस चीज के बारे में सभी जानते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर यखनी दो किस्म की होती है। एक यखनी वो होती है जिसमें गोश्त और हड्डियों दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आज आपको सिखाई है। दूसरी यखनी वो होती है जो सिर्फ हड्डियों से तैयार की जाती है। इस वीडियो के बाद वो यखनी भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन जो सबसे मुफीद और फायदेमंद यखनी है, ओरिजिनल यखनी की रेसिपी है, वो यही है जो आज मैंने आपको सिखाई है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाद में जो बेल का आइकॉन आए उसको भी क्लिक कीजिएगा।